नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस तिलमिला उठी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड पर सांकेतिक उपवास रख महंगाई के खिलाफ विरोध जताया, सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को महंगाई कम नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि उग्र आंदोलन कोविड-19 के संक्रमण जयेंद्र रमोला की रोकथाम के बाद किया जाएगा। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि महंगाई के अलावा देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा चुकी हैं, जिसके जिम्मेदार राज्य और केंद्र सरकार है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कांग्रेस के इस सांकेतिक उपवास को राजनीति से प्रेरित बताया है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आज उसी के संदर्भ में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई भी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, 850 रुपये गैस हो गई है। इसी के प्रति में सरकार को होश में लाने के लिए, याद दिलाने के लिए, आप जनता के हित के लिए बने हैं, जनता को लूटने के लिए नहीं। तो आज का जो प्रदर्शन है उसी के संदर्भ में है। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों से 31 पेटी शराब पकड़ी है। मौके से दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। कोतवाली पुलिस के अनुसार पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर चेकिंग की। इस दौरान श्यामपुर फाटक के पास एक कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो पुलिस को देखकर कार चालक उतर कर भाग गया, जबकि दूसरी सीट पर बैठे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी होने पर कार के अंदर से 6 पेटी शराब बरामद हुई है। पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया कि जो कार का ड्राइवर है वो शराब तस्कर है और उसका दोस्त है। उच्च अधिकारीगणों के आदेशानुसार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के द्वारा आज श्यामपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो को कार को रोककर चेक किया गया, तो उसमें से 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है, तथा एक अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव की निशानदेही पर ही नेपाली फार्म के पास बने एक गोदाम से 20 अन्य शराब की पेटियाँ भी बरामद की गई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे कलजी खाल विकासखंड के कोविड काल में अपने घर पर वापस आए प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चौंडली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और कहा कि सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का अनुपालन आवश्यक करें, जिससे कोविड संक्रमण का खतरा कम हो। गाँव में हम लोग आए हैं, आज ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं और तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गांव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियाँ हम लोग गाँव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय हो रहे फर्जी पत्रकारों पर एसएसपी हरिद्वार कसेंगे अब कानूनी शिकंजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अब्दुई कृष्णराज एस के द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय हुए फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ पत्रकारों के द्वारा न्यूज पोर्टल की आईडी के नाम पर जबरन उगाही की जा रही है, ऐसे पत्रकारों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी अपने वाहनों में जो है प्रेस लिख के गलत तरीके से घूम रहे हैं उनका लगातार हम चेकिंग करेंगे। जो भी ऐसा पता चलता था उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं उनके बारे में हमारा पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण भी परिचित है। जिसका परिचित नहीं, जिसने प्रेस लिख के चल रहे हैं, उनका बारे में जो हम जाँच करेंगे। यदि वो फर्जी पाया गया था उनका विरुद्ध जो है विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना जारी है। हरिद्वार के
भूपतवाला में एक मकान में जहां खतरनाक किंग कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं भेल क्षेत्र के सेक्टर 3 से रेड स्प्रे प्रजाति का नाग और नागिन का जोड़ा मिलने से लोगों में खलबली मच गई। दोनों जगह सांपों के निकलने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। दोनों क्षेत्रों में मौके पर पहुंचे वन विभाग की QRT टीम के सदस्य तालिब और संतन सिंह ने सांपों का रेस्क्यू किया। दोनों स्थानों से मिले खतरनाक सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने आज DRDO द्वारा तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आज देर शाम तक अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। अजय भट्ट ने कहा कि DRDO द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की कल से शुरुआत होगी। पहाड़ों में जिस कदर स्वास्थ्य सेवाएं बदखार है, उसके चलते इस अस्पताल का लाभ हल्द्वानी के साथ साथ कुमाऊं के सीमांत इलाकों के मरीजों को भी मिलेगा। देखिए, ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कम्प्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है, शुरुआत होगी कल को। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।